किस बात की पार्टी? मेरी बर्थडे है, आपको बताया नहीं? नहीं, और ये वो मोनालिसा की पेंटिंग तुमने देखी है? यस सर। उसमें और इस चेहरे में जरा भी फर्क नहीं है। मेरे दादाजी भी यही कहते थे। तुम्हारे दादाजी पेंटर हैं? वो भी आप ही की तरह आर्ट के बहुत बड़े कदरदान थे। थे? अब तो नहीं है ना। लेकिन आपको देखकर बिल्कुल ऐसा मालूम होता है जैसे मेरे दादाजी फिर से जिंदा हो गए। सुनिए, अगर मैं आपको दादाजी कहूँ तो आप बुरा मानेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ओह दादाजी, तो फिर आज रात को आप पार्टी में आएंगे ना? ओ माय डियर चाइल्ड, अच्छा होता तुम अपनी उम्र के लोगों को इनवाइट करती। मैं ठहरा बूढ़ा अपाहज आदमी। ओह नो दादाजी, आपके आए बिना बात कैसे बनेगी? कौन सी बात? यही, सबके सामने मैं आपका स्वागत करूंगी और सबके सामने आप मुझे आशीर्वाद देंगे। आप दादाजी हैं ना? समझा, तुम नहीं मानोगी। मुझे सबके सामने आना ही पड़ेगा। खुशी की महफिल है, रौनक है, बर्थडे केक भी है, मगर जिसकी सालगिरह है वो कहाँ है? ये रही दादाजी, बस आप आ गए तो मेरी सालगिरह कामयाब हो गई। नहीं, तुम्हारी साजिश कामयाब हो गई, मासूमियत की साजिश, खूबसूरती की साजिश, जवानी की साजिश। ओह हाउ स्वीट दादाजी, हाउ स्वीट दादाजी, हाउ स्वीट दादाजी, ऐसे ना बनो कोई साजिश है। हाउ स्वीट दादाजी, हाउ स्वीट दादाजी, कोई ऐसे ना बनो कोई साजिश है। मीठी मीठी बातें की जैसे वो कट।
दादाजी, हाउ स्वीट दादाजी, ओए ऐसे ना बना कोई शादी है, हाउ स्वीट दादाजी, हाउ स्वीट दादाजी, ऐसे ना बना मुझे अफसोस है कि तुम जैसे कमसिन नौजवान की मौत मेरे हाथ से होगी। किसने कहा? लॉर्ड बुद्धा ने। तुम हमारा राज जान गए, इसलिए मुझे मरना पड़ेगा। अब तुम्हें कोई बचा सकता है? जी हां, आपका लॉर्ड बुद्धा। मिस्टर हन, आप जानते हैं कैप्टन कहाँ है? नहीं तो, तुम कुछ परेशान नजर आते हो, क्या बात है? कोई खास बात नहीं, दूसरे रेडियो ऑफिसर का भी खून हो गया है। खून? दूसरा? दूसरा नहीं, तीसरा। पिंटो को क्यों भूल रहे हैं आप? मैं? ये सब तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। आपको सब मालूम है मिस्टर हन, आज तक आप सबकी आंखों में धूल झोंकते रहे। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे सबके सामने आना ही पड़ेगा। तुम्हारे मिस्टर जय ने मुझे मजबूर कर दिया। बाजा बजाने वालों को इशारा कर दो कि वो हथियार सामने ना लाएं, वरना उनके साथ बेकसूर लोग मारे जाएंगे और साथ ही तुम्हारी सुनीता भी। इसीलिए तो मेरी पिस्तौल आपके सीने पर है मिस्टर हन। इस वक्त सबकी जिंदगी आपके हाथ में है और आपकी जिंदगी मेरे हाथ में।